नमस्कार दोस्तों, कॉकटेल्स इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय है और आज भी मैं बनाऊंगा एक मॉकटेल जिसका नाम है वेलवेट पिना कोलाडा। और इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं बनाना। ऐसे पिना कोलाडा बहुत फेमस कॉकटेल है और इस कॉकटेल को हमेशा कोकोनट फ्लेवर के साथ बनाया जाता है। और मैं आज वो सारे के सारे इंग्रीडियंट्स तो यूज करूंगा, साथ में मैं बनाना भी यूज करूंगा और इसमें एक वेलवेट का टेक्सचर दूंगा। तो दोस्तों, ये मॉकटेल को सीखने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वेलवेट पिना कोलाडा के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, वेलवेट पिना कोलाडा बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जरूरत है, जैसे कि ये हो गया आपका कोको नट फ्लेवर्ड मॉर्निंग सिरप। ये आपको कोकोनट फ्लेवर का एहसास देगा अपना इस मॉकटेल में। साथों साथ आपको चाहिए मॉर्निंग का ये ब्लू क्रसो सिरप, ये आपको ब्लू कलर देगा वेलवेट लुक्स लाने के लिए। और इसके साथ आपको चाहिए फ्रेश क्रीम, जो अमूल फ्रेश क्रीम बहुत फेमस है। अगर आप फ्रेश क्रीम यूज करना पसंद करते नहीं हो तो आप आइसक्रीम यानी वेनिला आइसक्रीम यूज कर सकते हो, वन स्कूप इंस्टेड ऑफ फ्रेश क्रीम। और चाहिए आपको पाइनएप्पल जूस, जो इसका बॉडी बनाएगा, और बनाना अबव ऑल बनाना तो आपको चाहिए कि उसकी इस मॉकटेल को बनाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, देख लीजिए कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो मैं पहले लूंगा एक मिक्सिंग जग, क्योंकि मुझे ब्लेंडर यूज करना है, बनाना भी रहेगा, ये भी रहेगा, बहुत कुछ सामान रहेगा। तो पहले मुझे चाहिए क्रस्ट आइस, तो मैं क्रस्ट आइस ले लूंगा। तो क्रस्ट आइस मैं लूंगा बहुत सारा, क्योंकि मुझे इसका बॉडी जो बनाना है वो बनाना है थोड़ा सा थिक। चलिए, क्रस्टलाइज हो गया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू क्रसो सिरप यूज करूंगा, अराउंड 10 ml, इसका कलर्स देने के लिए। चलिए, अभी मुझे यूज करना है फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम अराउंड 60 ml। स्क्रीम हो गया। अभी बनाना यूज करना है, और बनाना जब यूज करूंगा मैं ये पार्ट छोड़ दूंगा। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को मैं रखूंगा, क्योंकि ये मेरा गार्निश बनेगा, तो मैं इस पार्ट को यूज करूंगा। ये पार्ट मैं रख लिया, इसको गार्निश के लिए यूज करूंगा। तो ये पार्ट को मैं यूज कर लिया अपने कॉकटेल में, मॉकटेल में, सॉरी दोस्तों, मॉकटेल में। और इसको छोटा छोटा पीस काट के मैं इसको ब्लेंडर में दे दूंगा। तो ऐसे आपको ये बनाना मैंने डाल दिया। अब बनाना डालने के बाद मुझे चाहिए पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस जो होगा वो अराउंड 90 ml की करके होगा, क्योंकि मेरा जो ग्लासेस है बहुत लंबा चौड़ा है, तो मैं पाइनएप्पल जूस डाल दूंगा। अभी ये कोकोनट का जो फ्लेवर है, यूजुअली पिना कोलाडा का मतलब है कोकोनट फ्लेवर्ड मॉकटेल, तो मैं कोकोनट फ्लेवर दूंगा अराउंड 10 ml, 10 to 20 ml भी दे सकते हैं। तो मॉर्निंग का कोकोनट सिरप मैंने दे दिया। अगर मॉर्निंग का कोकोनट सिरप आपके पास अवेलेबल है नहीं, तो आप कोकोनट क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ऐसे छोटा छोटा पैक में आता है कोकोनट क्रीम, तो आप कोकोनट क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब जब कोकोनट क्रीम दीजिएगा, तब याद रखिएगा कि आपको थोड़ा सा ज्यादा देना है, क्योंकि मॉर्निंग का जो सिरप है वो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और हाईली फ्लेवरेबल है। तो क्रीम अगर देना है तो आपको 20 ml देना है। तो मेरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो तैयार है। अब मुझे इसको ब्लेंड करना है।
बनाना है उसको पूरा अच्छी तरीके से मिलाना पड़ेगा। तो मेरा ब्लेंडिंग हो चुका है, भी इस मॉकटेल को मैं ट्रांसफर कर दूंगा एक लंबा सा तीसरा ग्लास में। गार्निश में एक ट्विस्ट है दोस्तों, गार्निश जो है ये जो है ये आपका डॉल्फिन जैसा लुक। देखिए दोस्तों, इसका अगर मैं काट के लगाऊंगा तो एकदम डॉल्फिन जैसा लुक हो जाएगा। तो मैं इसको काटूंगा और इसका होड बनाऊंगा, ये बहुत सुंदर लगेगा। आप ये गार्निश तो देख लीजिए। तब तक के लिए मैं अपना मॉकटेल को मैं थोड़ा सा दूर में रखता हूँ। देखिए इसको कैसे काटना है, आपको ऐसे ही बनाना लेना है, हाफ जो आपका लग चुका है यहाँ पर से काट लीजिए बनाना को ऐसे। ये बन गया इसका होट और इसको यहां से काट दीजिए ऐसे। अभी जैसे काटा हो जाएगा, काटना हो जाएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चेरी, छोटा सा चेरी, आधा टुकड़ा या फुल टुकड़ा कुछ भी आप दे सकते हो, अंदर में दे दीजिए। लगता है कि कुछ खाना खा रहा है ऐसा कुछ। और इसका आँख बनाने के लिए आपको दो क्लोव लेना है और इसका ऊपर से ऐसे लगा देना है, ठीक है ऐसे। ये बन गया इसका आँख, है ना। अभी इसको आपको काट देना है बीच में से ऐसे। और इसको लगा देना है मॉकटेल के ऊपर ऐसे। चलिए दोस्तों, ये मेरा बन गया वेलवेट पिना कोलाडा। आनंद उठाइए इस मॉकटेल का घर में बना के, कोई भी मेहमान आता है तो उसको बना के दीजिए। यूनिक कैरेक्टराइज्ड है, इसमें बनाना का फ्लेवर भी है और कोकोनट का फ्लेवर भी है, बहुत रिफ्रेशिंग है। और गर्मियों के सीज़न में, अभी तो बड़ी मस्त गर्मी भी चल रहा है, तो अभी इस सीज़न में बना डालिए ऐसा बहुत सुंदर एक मॉकटेल। आपका गेस्ट को पिलाइए और उसके साथ उसका ओपिनियन पूछिए कि उसको कैसा लगा, और साथ साथ उसको कॉकटेल सीजन का बनाए बताइए भी। ये बहुत ज़रूरी है मेरे कॉकटेल को आगे बढ़ाने के, मेरा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर खराब लगता है तो डिसलाइक कर लीजिएगा, मुझे बहुत खराब लगेगा। और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।